गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पराठा। ये थोड़ा चेंज है, 2 कप मैदा लेंगे, 3 अंडे लेंगे, उसमें हम नमक मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून एज़ यू वांट। उसके अलावा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, और टमाटर को बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काटना है, क्यूब्स में नहीं काट करना, क्यूब्स में कट नहीं करना है, लेकिन छोटे छोटे बारीक पीसेस करना है। इसमें हमने 3 एग्स ऐड किए हैं, 2 कप मैदा है और नमक मिर्च, ठीक है, और काली मिर्च, यस 1 टेबलस्पून काली मिर्च भी आपने ऐड करनी है। और इसमें हमने दूध ऐड करना है, दूध हम साथ साथ ऐड करेंगे और उसके बाद उसको मिक्स करते रहेंगे। तो और मतलब लाइक जैसे आटा गूंथते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं ना, तो वैसे हमने इसको दूध में करना है सारा। उसके अलावा धनिया वगैरह हम थोड़ा थोड़ा काट के, जैसे पहले काटने तिनकों से निकालना है, उसके बाद कैंची से काट लेना है, ठीक है। ये भी मेरे पापा बना रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, टोटली वही कुकिंग करते हैं, हम आराम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आराम करते हैं, हम भी काम करते हैं। इसको दूध में ही हमने मैश करना है अच्छी तरह, स्पून से बहुत हार्ड हो जाएगा, जैसे केक बेक करते हुए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लाइक एज़ इट इज़ वैसा ही है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, केक को ज़्यादा हार्ड हो जाता है उसको मैश करते हुए। इसको हमने दूध में ही जो है, पानी की जगह दूध डालना है और मैदे को इस तरह से हमने करना है, इस तरह की शेप में आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे बेसन है, बट ये बेसन नहीं है। हमने 2 कप इसमें मैदा ऐड किया, उसको अच्छी तरह मिक्स किया है, नमक मिर्च है इसमें, काली मिर्च है, और अभी बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। बट इसको हमने थोड़ा पेस्ट फॉर्म में लाना है, लाइक पेस्ट थोड़ा फिर भी हार्ड हो जाता है, रुक रुक के ट्यूब में से आ जाता है, बट इसको बिल्कुल स्मूथ स्लिम फॉर्म में करना है, बिल्कुल लाइक क्रीम की तरह या आइसक्रीम की तरह, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना कि पानी पानी हो जाए, इतना रखना है कि हम इसको जो है अपने पैन पे बना सकें। आपके पास नॉन थिक पैन हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, बट इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अभी भी थोड़ा थिक है। इसमें हमने थोड़ा और दूध डाल के ऐड किया, इसको प्याज हमने बिल्कुल ऐसे कट किया बारीक, और ये क्यूब्स में नहीं है, ओके, ये क्यूब्स में प्याज नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, लाइक जैसे आप लोग ऑमलेट बनाते हैं, ऑमलेट में भी कुछ लोग प्याज वगैरह डाल के खाते हैं, तो मैं तो ऑमलेट में प्याज वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती, प्याज टमाटर मुझे नहीं पसंद, बट इसमें हमने प्याज ऐड की है, 1 बड़ी प्याज थी, 2 हरी मिर्चें थीं, 1 टमाटर था। टमाटर को भी आप देख लें कैसे कट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा पीसेस में है। और उसके बाद हमने इसमें धनिया ऐड किया है, लाइक आपके सामने इतना धनिया ऑलमोस्ट इनफ है। इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके कितने पराठे वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जोर से नहीं, हल्का हल्का बॉक्स को पकड़ के इसको अच्छी तरह मैश करें, मिक्स करें कि ये अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स हो जाए उसके अंदर स्मूथली, जैसे पकौड़ों का मसाला बनाते हैं ना, लाइक बिल्कुल उसी तरह की इसकी शक्ल निकल आएगी। लेकिन हमने इसके पकोड़े नहीं बनाने, हमने इसका पराठा बनाना है। इसमें 3 एग हैं, 2 कप मैदा है, नमक मिर्च है, काली मिर्च है, टमाटर, और ये हमने क्या डाला है इसमें, ये हमने नमक ऐड किया, राइट, नमक कम था, नमक ऐड किया, उसके बाद दूध ऐड किया। दूध आप खुला दूध यूज़ करें, मिल्क पैक यूज़ करें, इट्स अप टू यू, ओके, मर्ज़ी है आपकी, जो मर्ज़ी चाय डाल लें। उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसकी थिकनेस अब आप देख लें कि ये कैसे थोड़ा क्रीमी शेप में आ रहा है। उसके बाद आप इसको देखें कि ये कैसे हम बना रहे हैं।